दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना, वो भी दोस्तों अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर सिर्फ 5 मिनट में। अब दोस्तों आपको किसी भी शॉप या फिर दोस्तों किसी कैफ़े वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दोस्तों आपको 100-200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर बनाकर सिर्फ 10 रुपये में ये प्रिंट करके दोस्तों अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ सिंपल स्टेप हैं जिनको दोस्तों आप फॉलो करेंगे, फिर यहां पर दोस्तों आप सिंपल तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे और दोस्तों आप इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाना सीख जाएंगे। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको सभी कैटेगरी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा, जैसे दोस्तों आपका डिलीवरी बॉय का हो गया, कुक का हो गया, टीचिंग का हो गया, या फिर दोस्तों आपके पास कोई और है एक्सपीरियंस, कोई कंपनी में काम करते हैं, किसी शॉप में काम करते हैं, कोई भी दोस्तों आप काम करते हैं उसका आज की इस वीडियो में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीत, आपका प्रीत लैब चैनल में स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चले दोस्तों शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर डालना होगा, कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, इसमें सर्च करना है इंडिया टाइपिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऊपर सर्च में देख सकते हैं, ऐसे दोस्तों आपको सर्च करना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको यहाँ पर डार्क दिखाई दे रहा है कलर, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, लेकिन इसके लिए पहले आपको फिर से दोबारा डेस्कटॉप साइट पर डालना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ एडवांस पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जूम में देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको डार्क दिखाई दे रहा है, इस पर दोस्तों आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने होम खुल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लोगो यहाँ पर यानी कि आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर दोस्तों आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप सिंपल तौर से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से इसको डेस्कटॉप साइट पर डालना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जिसमें दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पे अपना रेफरेंस नंबर डालना होगा। अगर दोस्तों आपके पास है तो यहाँ पर डाल देंगे कोई भी कंपनी का, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। डेट आपको वो डालना है जिस डेट को आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आ रहा है, आपको चूज़ करना है आप लड़की के लिए बना रहे हैं या लड़के के लिए। अगर लड़के के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मिस्टर आएगा, अगर लड़की के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मिस आएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नाम डाल देना है, जिस भी आप लड़की का या फिर दोस्तों लड़के का बना रहे हैं उसका यहाँ पर दोस्तों आप नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर दोस्तों आपको सन और डॉटर में चूज़ करना है। लड़की के लिए है तो यहाँ पर दोस्तों डॉटर चूज़ करेंगे, अगर लड़के के लिए है तो यहाँ पर सन पर चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको फादर नेम डालना है, जो भी दोस्तों आपका फादर है उसका यहाँ पर नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आ रहा है एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस बताना है, डिलीवरी बॉय का है, कुक का है या फिर दोस्तों आपका टीचर का है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इन योर कंपनी फॉर्म में लिखना है जब दोस्तों आपने कंपनी में ज्वाइन किया, किसी शॉप में काम करना शुरू किया। यहाँ पर दोस्तों आपको मंथ का नाम डालना है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ईयर डाल देना है, फिर टू में लिखना है दोस्तों जब तक आपने उस शॉप या फिर कंपनी में काम किया। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको बताना है कि आपको पे कितना मिलता था, 10,000, 20,000, 15,000 उस कंपनी में। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इशू ऑफिसर नेम डालना है, यानी कि दोस्तों आप ऑफिसर के नीचे काम करते थे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कंपनी का नाम डाल देना है, जो भी दोस्तों आपकी कंपनी का नाम आता है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो
आपका ऑफिसर है उसका रैंक क्या है, मैनेजर का है, डीएम का है, या फिर दोस्तों काउंटिंग का काम करता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसका यहाँ पर डेसिग्नेशन डाल देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको सिंपल वन फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये एक सिंपल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर इसमें प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके दोस्तों इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसको सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे, जितना दोस्तों आपने बनाया है इसको यहाँ पर दोस्तों आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका काम ख़त्म हो गया। अब दोस्तों आपको मोबाइल में बैक चले जाना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम में जाना है या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, उसमें दोस्तों आपको सर्च करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है पिक्सल लैब, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको इमेज साइज A4 साइज का डालना है, वो दोस्तों आपका क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसका साइज क्या होगा। ये दोस्तों आपको साइज 2408x3508 का रखना होगा और यहाँ पर भी दोस्तों आपको 3508 रखना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ये दोस्तों आपको बता दूँ कि A4 साइज शीट का जो साइज होता है ये साइज हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, फिर से दोबारा गूगल क्रोम में जाना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसको बैक कर दें, मिनिमाइज़ कर दें और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च में डालना है A4 साइज बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली सर्च पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा pinterest.com, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैकग्राउंड होगा आपका A4 साइज का, यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पर दोस्तों आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे। दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड होगा तो यहाँ पर दोस्तों आप डाउनलोड कर लेंगे जो दोस्तों आपको अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों मुझे ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको डाउनलोड सिंपली कर लूँगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बैक चले जाना है, फिर से दोबारा आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डबल क्रॉस, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपने डाउनलोड किया होगा बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों न्यू टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे डबल। फिर यहाँ पर दोस्तों ये एडिट, यहाँ पर दोस्तों आप डिलीट कर देंगे जो टेक्स्ट होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है जो दोस्तों आपने कॉपी किया था। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपका टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोने से इसको छोटा कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा पूरा डाल देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ए पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कलर पर क्लिक करना है। जो दोस्तों आपको कलर अच्छा लगता है उसको यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको इसको पूरा पूरा यहाँ पर बैठा देना है जितना आपको सही लगता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टॉप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको इसको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्टॉक यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों आपका ये बनकर तैयार हो चुका है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ऐसे दोस्तों आप अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बना पाएंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड के कलर देना चाहते हैं तो दोस्तों आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपको बॉक्स के निशान पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको कलर के निशान पर जाना होगा। जो दोस्तों आपको कलर अच्छा लगता है वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे।
जो दोस्तों आपको कलर बेटर लगता है वो यहाँ से आप चूज़ करके यहाँ पर दोस्तों आप अपना अलग का पीडीएफ बना लेंगे और यहाँ पर दोस्तों जितना आपको सही लगता है उतना आप उसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे बिठा के फिर यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको दिखाई दे रहा है प्लस के आइकन के सामने यहाँ पर दोस्तों आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों सेव इमेज पर क्लिक करके ये दोस्तों आपको JPG में या फिर दोस्तों PNG में डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको क्वालिटी अल्ट्रा पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको ओके पर यहाँ पर सेव एज सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे दोस्तों आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट क्लियर करना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।